हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वॉचर प्लेनेट। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक रोमांटिक ड्रामा मूवी को जिसका नाम है एंडिंग बिगनिंग्स। और बात करें इसकी आईएमडीबी रेटिंग के बारे में जो है 5.7 आउट ऑफ 10 स्टार। मूवी के स्टार्ट होते ही हम डैफनी नाम की बंदी को देखते हैं। उसका अभी अभी ब्रेकअप हुआ था और उसके वर्क प्लेस पर कुछ प्रॉब्लम चल रही थी, इसलिए नौकरी छोड़कर फाइनली वो अपनी सिस्टर के पास रहने के लिए आ गई थी। वो कुछ दिनों के लिए इन सारी चीज़ों से ब्रेक लेना चाहती थी। सिस्टर के घर पर उसकी एक छोटी सी बेटी है, उसे डैफनी का आना बहुत अच्छा लगता है। डैफनी अपने आप को संभालने की बहुत कोशिश करती है, लोगों के साथ मिलने जुलने की कोशिश करती है, लेकिन रात में उसे बहुत रोना आता है। वो अपने बॉयफ्रेंड को अभी भी बहुत मिस करती है। वो पहले आर्ट गैलरी में काम करती थी, उसे पेंटिंग बहुत अच्छी लगती है, तो उसने एक क्लास ज्वाइन कर लिया। यहाँ पर उसके कुछ फ्रेंड्स हैं। फिर उसने उन फ्रेंड्स से बात की और उनसे कहा, मुझे लगा था मैं उससे शादी करूंगी, हम हमेशा एक साथ रहेंगे। उसे अब लगने लगा था वो भी अपनी मदर की तरह पूरी जिंदगी प्यार ढूंढने में लगा देगी। उसकी मदर ने जब डिवोर्स लिया तब उसके बाद उसके बहुत सारे बॉयफ्रेंड थे, वो कभी भी एक जगह पर टिक नहीं पाई। लेकिन डैफनी ने अब डिसाइड किया है वो डेटिंग से 6 मंथ का ब्रेक लेगी और अपना फ्रीडम एंजॉय करेगी। वो आजकल फिर से न्यू जॉब ढूंढने का ट्राई करती है लेकिन उसे कहीं भी जॉब नहीं मिलता। क्रिसमस भी आ चुका था तब वो अपनी मदर से मिलने के लिए गई। उसकी मदर का अब एक और न्यू बॉयफ्रेंड है। उसकी मदर को लग रहा था डैफनी अभी भी अपने बॉयफ्रेंड के साथ है और वो नहीं आया। डैफनी अपनी मदर को बता देती है, तब उसकी मदर कहती है, मुझे लगा ही था वो तुम्हारे लिए परफेक्ट नहीं है। जैसी फायर एक रिलेशनशिप में होनी चाहिए वैसा उसमें कुछ भी नहीं था। इसी बात पर सोचते हुए उसे अपने बॉयफ्रेंड के साथ एक फ्लैशबैक याद आया। उन्हें लगता था उनकी रिलेशनशिप एक ओल्ड कपल की तरह हो गई है, वो कभी भी न्यू चीज ट्राई नहीं करते थे। 31 दिसंबर को डैफनी की सिस्टर ने एक पार्टी रखी थी, उसमें डैफनी का कोई भी फ्रेंड नहीं था इसलिए वो अकेली खड़ी थी। फिर उसके पास फ्रैंक आ गया, वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करवाता है। फिर वो उससे पूछता है, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? डैफनी कहती है, मैं थोड़ा ब्रेक ले रही हूँ। फ्रैंक पूछता है, तुम किससे छुप रही हो? डैफनी चाहती थी फ्रैंक उसे अकेला छोड़ दे, लेकिन वो थोड़ा दूर जाकर उससे बात करता है। वो बहुत ही फनी और चार्मिंग था, लेकिन डैफनी ब्रेक पर है इसलिए वो ज़्यादा उससे बात नहीं करती। फिर कुछ टाइम बाद वो जैक नाम के बंदे से मिलती है। वो जैक से पहले भी बात कर चुकी थी, उसे पता था वो एक राइटर है। वो भी डैफनी को देखते ही पहचान गया, उसे पता था डैफनी आर्ट गैलरी में काम करती थी। फिर बातों बातों में डैफनी कहती है वो अपनी सिस्टर के साथ रह रही है और उसके बॉयफ्रेंड के साथ उसका जो कुछ भी हुआ था ये सारी बातें उसने जैक को बता दी। जैक को ऑलरेडी वो पहचानती थी इसलिए उससे बात करना उसे बहुत ही ईजी लगा। फिर जैक उसे समझाता है, तुम अपने आप को बुरा फील करा रही हो, तुम्हें लगता है तुमने कुछ गलत किया है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। हम अगर खुद के बारे में सोचें तब हमें हमेशा लगता रहेगा कि हम बुरे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। डैफनी को जैक की बातें बहुत ही अच्छी लगी थी। अगले दिन मॉर्निंग में फ्रैंक ने डैफनी को मैसेज किया, उसने उसे कुछ सैड सॉन्ग भेज दिए थे। डैफनी पूछती है, तुम्हें नंबर कैसे मिला? फ्रैंक फिर आगे पूछता है, क्या अब भी तुम शोबर हो? डैफनी कहती है, मैं ठीक हूँ। फिर अगले दिन जब वो अपनी टेम्परेरी काम पर थी वहाँ पर जैक आकर उससे मिलता है। जैक उससे पूछता है, क्या तुम मेरे साथ ड्रिंक पर आओगी? डैफनी कहती है, आजकल मैं कुछ भी ड्रिंक नहीं कर रही हूँ, लेकिन तुम्हें कंपनी देने के लिए मैं आ सकती हूँ। इनकी डेट फिक्स हो जाती है लेकिन डैफनी ने क्लियर कर दिया, ये सिर्फ एज अ फ्रेंड ही डेट है। डेट पर जैक डैफनी से कहता है, तुम मुझे बहुत ही अलग लगी थी, मुझे तुम्हें जानना था, एक लॉन्ग कॉन्वर्जेशन चाहिए थी। इसके बाद अलग अलग चीजों को लेकर ये बहुत सारी बातें करते हैं। डैफनी पॉट्स पर डिजाइन करके उन्हें सेल भी करती थी, उसे ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता था। उसने ये भी जैक को दिखाया। जैक कहता है, तुम बहुत ही अमेजिंग हो। ये जब बात कर रहे थे तभी डैफनी को फ्रैंक का मैसेज आता है, वो उसे मिलने के लिए बुलाता है। फिर एक जगह फिक्स करके फ्रैंक और डैफनी मिलते हैं। फ्रैंक उससे कहता है, तुमने मुझे बहुत दर्द पहुंचाया, मुझे ना कहकर जैक के साथ डेट पर गई। डैफनी को ये बात समझ में नहीं आती। तब फ्रैंक कहता है, जैक मेरा बेस्ट फ्रेंड है। डैफनी इसके लिए सॉरी कहती है। वो कहती है, वैसे भी मैं इन सब चीजों से ब्रेक लेना चाहती हूँ, वो फिर से रिलेशनशिप को कॉम्प्लिकेटेड नहीं कर सकती। वो कहती है, मुझे तुम दोनों से बात नहीं करनी चाहिए, वो यहाँ से जाने वाली थी। लेकिन इससे पहले ये एक दूसरे को हग करते हैं, फिर वो डायरेक्टली किस करने लग जाते हैं। इन दोनों की फर्स्ट मीटिंग से अट्रैक्शन काफी स्ट्रांगफुल था, फिर ये इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगले दिन डैफनी को जैक का मैसेज आता है, वो कहता है, फ्रैंक और मेरी बात हो गई है, सब कुछ ठीक है, ज्यादा बरी मत करो। इसके बाद वो फ्रैंक से पूछती है, तुमने उसे क्या बताया? फ्रैंक कहता है, उसे ज्यादा कुछ पता नहीं है। डैफनी उससे कहती है, उसे ज्यादा कुछ रिलेशनशिप नहीं चाहिए, वो एक दूसरे को डेट नहीं कर सकते। इसके बाद डैफनी को जैक का मैसेज आता है जिसमें लिखा था, मुझे लगता है हम दोनों में कुछ स्पेशल है, इसे और भी एक्सप्लोर करना मुझे अच्छा लगेगा। इसके बारे में वो थोड़ा सोचती है और अगले दिन जैक के साथ डेट पर आ जाती है। फिर ये दोनों रियलाइज करते हैं
हैं। जब ये दोनों एक साथ होते हैं तो बहुत ही कंफर्टेबल होते हैं। वो बहुत सारी बातें करते हैं और दोनों को स्मोकिंग अच्छी लगती है। फिर डैफनी जैक से पूछती है, तुम और फ्रैंक कैसे दोस्त हो? जैक कहता है, वो मेरा बेस्ट फ्रेंड है, लेकिन फिर भी मैं उस पर ज़्यादा डिपेंड नहीं कर सकता। वो कभी भी गायब हो जाता है और उसने मुझसे पैसे लिए थे और कभी भी वापस नहीं किए। उसकी लड़कियों के साथ अच्छी रिलेशनशिप नहीं बन पाती। उसकी लास्ट गर्लफ्रेंड उसकी वजह से पूरी तरह बर्बाद हो गई। इन दोनों को एक्चुअल में एक दूसरे के साथ कनेक्शन महसूस हुआ था। फिर आज रात ये दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। अगले दिन डैफनी जब अपनी सिस्टर की बेटी को स्कूल से घर लेकर आई, तब उसकी सिस्टर और हस्बैंड में झगड़ा चल रहा था। डैफनी बहुत दिनों से उनके घर पर रह रही है तो उसकी सिस्टर के हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता। डैफनी ने ये सारी बातें सुन ली थी। उसके एक्स बॉयफ्रेंड ने उसे एक रिंग दी थी, उसे सेल करके जो भी पैसे आते हैं उनसे वो एक हाउस रेंट पर ले लेती है। फिर अनपैकिंग करते हुए उसे एक्स बॉयफ्रेंड का लेटर मिला जिसमें लिखा था, शायद हम एक दूसरे से दूर चले गए हों, लेकिन अगले जन्म में हम एक दूसरे को ढूंढ ही लेंगे। वो बिलीव करता था डैफनी उसके लिए परफेक्ट है। वो उसे कमिटमेंट चाहता था, लेकिन शायद डैफनी इसके लिए रेडी नहीं थी, इसी वजह से उनका ब्रेकअप हो गया था। फिर अगले कुछ सीन्स में हम देखते हैं डैफनी और जैक की रिलेशनशिप आगे बढ़ रही थी। फिर एक दिन फ्रैंक का उसे मैसेज आता है। वो कहता है, तुम तो अच्छी तरह से मूव ऑन कर चुकी हो। डैफनी कहती है, मैं प्रोसेस में हूँ। इसके बाद वो कहती है, मैं तुम्हारे बारे में सोच रही थी। उसके बाद हम देखते हैं जैक कुछ दिनों के लिए एक काम से बाहर जाने वाला था। जैक का एक डॉग था, वो कहाँ रहेगा ये प्रॉब्लम थी। डैफनी कहती है, मैं तुम्हारे यहाँ आकर रह सकती हूँ। वो कहता है, फ्रैंक उसका ख्याल रख सकता है। इसके बाद जैक ने एक पार्टी रखी थी, उसमें फ्रैंक भी आया था। फिर आज रात फ्रैंक और डैफनी की नज़रें एक दूसरे पर थीं। फिर अगले दिन फ्रैंक डैफनी के घर पर आ जाता है और वो कहता है, उसके डॉग को अब तुम्हें ही संभालना पड़ेगा, वो ट्रिप के लिए कहीं दूर जा रहा था। डैफनी कहती है, मेरे अपार्टमेंट्स पर डॉग रखना अलाउड नहीं है, लेकिन फिर भी फ्रैंक उसे फोर्स करके डॉग को वहाँ छोड़कर जाता है। कुछ टाइम बाद वो फिर से वापस आता है डॉग की कीज देने के लिए। ये दोनों एक दूसरे पर फ्रस्ट्रेटेड थे और एक दूसरे को किस करने लग गए और ये दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। फ्रैंक डैफनी से पूछता है, क्या तुम मेरे साथ चल सकती हो? डैफनी ने इसके लिए हाँ कह दिया। ये दोनों फिर बहुत सारे अलग अलग प्लेसेस पर जाते हैं, एक दूसरे के साथ एंजॉय करते हैं। फिर अगली रात फ्रैंक डैफनी को एक पार्टी पर लेकर आता है। यहाँ पर सब गा रहे थे। फ्रैंक ने डैफनी को भी फोर्स किया, डैफनी ने एक अच्छा सा गाना गाया। फिर अचानक फ्रैंक वहाँ से उठकर चला जाता है। वो उसे देखने के लिए जाती है, तब वो देखती है फ्रैंक ड्रग्स ले रहा है। डैफनी को बुरा लगता है, वो उसे कन्फ्रंट करती है। फ्रैंक कहता है, मुझसे फाइट मत करो, हमारी रिलेशनशिप इतनी अच्छी चल रही है, इसे बर्बाद क्यों कर रही हो? इन सारी फ्रैंक की आदतों की वजह से डैफनी उसके साथ नहीं रह सकती। वो फ्रैंक से ब्रेकअप कर लेती है। उसे वापस आने में थोड़ा लेट हो गया था। वो रियलाइज़ करती है, आज तो उसकी सिस्टर की बेटी का बेबी शावर है। जब वो पहुंची तब उसकी सिस्टर की फ्रेंड उसके पीछे उसे बुरा कह रही थी। डैफनी को ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो चली जाती है। इन सारी सिचुएशन को लेकर डैफनी ने अपने फ्रेंड इंग्रिद से बात की। इंग्रिद पूछती है, ये सब हुआ कैसे? डैफनी कहती है, वही तो क्वेश्चन है, ये सब हुआ कैसे? फिर अगले दिन हम देखते हैं जैक अपनी ट्रिप से वापस आ गया था। डैफनी उसे फ्रैंक के बारे में कुछ भी नहीं बताती, वो थोड़ा बोर हो रही थी, इसलिए जैक से कहती है, चलो आज हम डांसिंग पर चलते हैं। फिर वहां पर उसने पुराने कोवर्कर को नोटिस किया। उसे एक रात याद आती है, वो जब एक बार में ड्रंक हो गई थी तब यही कोवर्कर उसे अपने घर लेकर गया था। उसने उसके साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की थी, लेकिन डैफनी ने उसे रोक लिया था। इस इंसिडेंट के बाद वो डिस्टर्ब हो गई थी, लेकिन आज रात वो उस कोवर्कर की आंखों में आंखें डालकर उसे डरा देती है। आजकल जैक के साथ उसकी रिलेशनशिप अच्छी चल रही थी। एक दिन उसे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए उसने प्रेगनेंसी टेस्ट किया जो पॉजिटिव आता है। जब वो घर पर आती है तब जैक कहता है, मुझे एक अलग कंट्री में बहुत ही अच्छी जॉब की ऑफर आ गई है। वो बहुत ही एक्साइटेड था और डैफनी के साथ लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप कंटिन्यू करने के लिए रेडी था। वो मंथ में एक दो बार उसे मिलने के लिए आ जाता, इस तरह से वो रिलेशनशिप कंटिन्यू कर सकते थे। डैफनी इस बच्चे को लेकर बहुत ही कंफ्यूज थी। वो जैक को फ्रैंक के बारे में सब कुछ सच सच बता देती है। उसे पता नहीं था ये बेबी किसका है। जैक इस बात से बहुत ही हर्ट हो गया, वो उसे अपने घर से निकाल देता है। डैफनी अपनी फ्रेंड इंग्रिद के पास आती है, वो उसे सब कुछ बता देती है। उसे समझ में नहीं आता उसे इस बेबी को रखना चाहिए या फिर इसे अबॉर्ट कर देना चाहिए। इंग्रिद उससे कहती है, तुम कुछ भी डिसीजन लो, तुम्हारी आगे की लाइफ अच्छी ही होगी। एक बात का ध्यान रखना, तुम हमेशा प्यार ढूंढती रहीं, तुम्हें लगता है तुम्हें कोई भी प्यार नहीं करता, लेकिन अब तुम इस बेबी को प्यार कर सकती हो। ये बेबी तुम्हें हमेशा पूरी लाइफ प्यार करता रहेगा। ये बात डैफनी को समझ में आ जाती है और वो डिसाइड करती है वो इस बेबी को रखने वाली है। इसके बाद वो जैक से मिलती है और उससे कहती है, मैंने लाइफ में लोगों को बहुत ही हर्ट किया है, लेकिन मैं अब किसी को भी हर्ट नहीं करना चाहती। इस बेबी की वजह से लाइफ में उसे एक अलग प्रोस्पेक्टिव मिला है, वो बेटर पर्सन बनना चाहती थी। जैक उसके लिए खुश था, लेकिन
लेकिन वो डैफनी के लिए कुछ नहीं कर सकता, उसकी लाइफ का पार्ट नहीं बन सकता। आजकल डैफनी छोटे बच्चों को देखती है, उसे बहुत ही अच्छा लगता है। अपनी सिस्टर की बेटी के साथ वो जो भी टाइम स्पेंड करती थी वो भी उसके लिए स्पेशल था। अगले सीन में हम देखते हैं उसकी मदर का जो बॉयफ्रेंड था, उसकी मदर उसके साथ शादी कर लेती है। डैफनी सबसे दूर एक जगह पर बैठी हुई थी, तब उसकी मदर उसके पास आती है और कहती है, तुम्हें लग रहा होगा मैंने लाइफ में बहुत सारी मिस्टेक की हैं, मैंने जो भी किया अपने लिए अलग अलग लाइफ पार्टनर ढूंढती रही, मैंने ये सिर्फ तुम्हारे लिए ही किया, तुम्हें फादर का प्यार मिल सके, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट था। डैफनी ने अपनी मदर को माफ़ कर दिया था। वो एक दिन अपनी पुरानी जॉब पर कॉल करती है, जो भी सिचुएशन थी ये उसने सही से समझा दी, फिर ये जॉब उसे फिर से वापस मिल जाता है। इसके बाद थोड़ा टाइम बीत चुका है, टाइम बीत जाने के बाद शॉपिंग करते हुए उसे फ्रैंक मिलता है। फ्रैंक उसे देखकर बहुत ही सरप्राइज था, वो आजकल किसी और के साथ है, लेकिन वो डैफनी को मैसेज करके एक जगह पर मिलने के लिए बुलाता है। वो उससे पूछता है, क्या ये बेबी मेरा है? डैफनी कहती है, मेरी बेटी सिर्फ मेरी है। जैक और फ्रैंक दोनों उसे छोड़कर चले गए, अब वो किसी के साथ उसे बांटना नहीं चाहती। फ्रैंक को सुनकर बहुत अच्छा लगता है, उसने रियलाइज़ किया लाइफ में फादर बनने के लिए अब वो रेडी था। अगले दिन डैफनी ने अपने एक्स बॉयफ्रेंड को लेटर लिखा। अब इतने सारे टाइम के बाद वो मूव ऑन कर चुकी है। जब वो एक दिन अपनी मदर के साथ थी, तब मदर कहती है, तुम मेरे साथ आकर रह सकती हो, मुझे तुम्हारा ख्याल रखना है, तुम्हारे बेबी को संभालना है। अपनी मदर का सपोर्ट ये डैफनी को बहुत ही अच्छा लगा, इस बात के लिए वो मान जाती है, वो कभी भी लाइफ में सेटल नहीं थी। एक मोमेंट पर उसे अलग चीज चाहिए थी तो दूसरे मोमेंट पर अलग, लेकिन अब उसने रियलाइज किया है जिस मोमेंट पर वो है यही ठीक है, वो इससे भागना नहीं चाहती, आगे की लाइफ अच्छी होगी, वो इस मोमेंट पर खुश थी। इसी के साथ ही मूवी एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में।